हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ये देखिए मेरे हिबिस्कस, ये पॉट में लगे हिबिस्कस हैं मेरे। देखिए दो तीन पॉट में मैंने कटिंग से जो ग्रो किया था, कितने अच्छे खिले हुए हैं। देखिए मैं दूर से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं छांव में खड़ी हूँ। ऊपर टेरेस पे एक साइड मेरा कमरा बना हुआ है, तो मैं आजकल सुबह तो आ ही नहीं पा रही हूँ। आती भी हूँ तो बहुत कम टाइम के लिए, वीडियो बनाना नहीं हो पाता, तो मैं दोपहर को लंच के बाद आती हूँ। ये देखिए ये है मेरा टैंक में लगा, दूर से दिखा रही हूँ आपको। हिबिस्कस जो एक ही है और यहाँ पे दो तीन लगे हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं रूम में खड़े खड़े ये देखिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं कुछ आज की जो मेरी शेयरिंग है प्लांट्स को लेके ही है कि इतनी गर्मी में, इतने तेज़ धूप में हमको रोज़ ही कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। हम तरह तरह के ऑरेंज जूस, मैंगो जूस और अपने हिसाब से हमको जो भी पसंद है, जूसी वाले फ्रूट्स, तरबूज हुए, पपीता हुए, ये सब हम लेते रहते हैं। तो हम तो ले लेते हैं, अलग से हमारे प्लांट्स अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। जो हम वेस्ट में फेंक देते हैं अपना खा पी के, उन्हीं चीज़ों को आजकल आप रोज़ ही यूज करिए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप के बाद इनकी सारी एनर्जी तो चली जाती है दिन भर में। तो शाम के टाइम आप कुछ ना कुछ ठंडा फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में ज़रूर अपने प्लांट्स को दें, बारी बारी से दें। एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो एक दिन एक साइड, एक दिन दूसरे साइड, ऐसे दे दें। जो मैं आप खुद करती हूँ वही मैं आपसे बता रही हूँ। और कुछ ना कुछ फ्रूट्स हम खाते ही रहते हैं दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, तो उनके छिलकों को रखिए। कंपोस्ट में तो हमको डालना ही है, पहले उनसे हम ठंडा सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए बनाएं। और गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, कोई नुकसान नहीं है हमारे प्लांट्स को। आप इनको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके, और एक दो घंटे के लिए ही पानी में आप डुबा के रखिए, दोपहर तक आप रखिए, शाम को दे दीजिए। तो ये मैं हर किसी को सजेस्ट कर रही हूँ कि जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं उसके छिलके आप तुरंत पानी में डाल दीजिए, और शाम को जब भी अपने गार्डन में आ रहे हैं आप डाइल्यूट करके उनको अपने प्लांट्स पे दे दीजिए। ये देखिए जैसा कि मैंने किया है, मैंने सुबह ये देखिए पपीता खाया था, अब इसको मैं सेडी प्लस में भिगो के देखिए मैं रख दी हूँ। अब दो तीन घंटे बाद में 5:30 बजे के लगभग अपने प्लांट्स में पानी देती हूँ। इसको मैं पानी में डाइल्यूट करके अपने जितने भी प्लांट्स में हो सके मैं दूंगी। इतना बड़ा गार्डन है, पूरे में तो नहीं होगा, तो आज मैं इसको दे दूंगी। कल मान लीजिए हमने तरबूज खाया तो मैं उसको दूसरे साइड दे दूंगी। तो आपका काम भी ईजी हो जाएगा, प्लांट्स को भी रोज़ कुछ ना कुछ अपने लिए ठंडा एनर्जी ड्रिंक मिलता रहेगा। तो कैसा लगा मेरा ये सजेस्ट, अगर आप सबको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिए अपने गार्डन में, और लाइक शेयर कमेंट करिए वीडियो को। जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। तो आज की मेरी इतनी छोटी सी शेयरिंग, तो ओके फ्रेंड्स, बाय।